press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अरे थैंक यू सो मच भाई, ये तो मैंने सुना ही नहीं लिया। थैंक यू, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट है, आई थिंक ये इकलौता लाइव सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन टेलीविजन पे, और सिंगिंग रियलिटी शोज मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव होगा। साथ ही साथ शंकर सर हैं, नीति हैं, रुजीत भाई हैं, यू नो दे आर ऑल सुपर स्टार। शंकर सर तो लेजेंड ही है, और अभी अभी उन्हें पद्मश्री मिला है, और आई थिंक दे आर ऑल वेरी वेरी इंस्पायरिंग। नीति जो खुद है इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी है म्यूजिक इंडस्ट्री की, वो खुद एक रियलिटी शो से आई है, तो वो एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि वो हमारे सिंगर्स के लिए, कंटेस्टेंट्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी तय की है एज ए कंटेस्टेंट टू आज वो इतने बड़े शो पे जज बन चुकी है। और दिलजीत भाई तो वही सुपरस्टार है, पहले पंजाब के सुपरस्टार थे, अब इंडिया के सुपरस्टार बन गए हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं साथ ही साथ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा एक माहौल बन रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है, और मुझे लगता है कि माहौल अच्छा होता है तो शो अच्छा होता है, और जब शो अच्छा होता है तो लोगों को पसंद आता है, और फिर लोगों को पसंद आता है तो टीआरपी आती है। जी जी बिल्कुल, बहुत प्रेशर होता है भाई, फंबल मारा तो सीधा घर पे पहुंच जाता है फंबल, ये नहीं कि कट जाएगा। लेकिन शंकर सर ने वहाँ पे प्रोमेनाड पे बहुत अच्छी बात बोली कि ये एक स्पोर्ट्स इवेंट की तरह होता है, जहाँ पे दो घंटे एकदम T20 मैच की तरह सब अपना बेस्ट देते हैं, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश होती है। चैलेंजिंग तो है डेफिनेटली, क्योंकि जनरली अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें प्री प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे जो है जो तैयारी करनी है पहले से कर लो, उसके बाद एक बार आप मैदान में उतर गए तो बस फिर अपना बेस्ट देना है। बट इतनी अच्छी टीम है, यू नो कलर्स की बहुत अच्छी टीम है, ऑप्टिमिस्टिक्स की बहुत अच्छी टीम है, इनका कलर्स के साथ ये मेरा लगातार चौथा शो है। एंटरटेनमेंट की रात हमने किया, फिर सपोर्ट के खिलाड़ी किया, खतरा 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 भी हमारा चल रहा है, राइजिंग स्टार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी हमारी फीलिंग चल गई है। और सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग चीज़ें करने को मिल रही है मुझे, एक में एक एंटरटेनमेंट वाला शो था, एक स्टंट वाला शो था, एक प्रैंक वाला शो था, अब ये म्यूज़िक शो है, तो यू नो अपने सारे पहलू मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है लोगों को। पता नहीं सर, अभी एक्टिंग करके टाइम हो गया, 10 साल हो गए, याद नहीं मुझे। नहीं देखिए क्या है, एक 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 मंडे टू फ्राइडे है और एक वीकेंड है, तो बेसिकली पूरे हफ्ते मैं आपको कलर्स पे दिखूंगा, मंडे से लेके मंडे, मंडे टू फ्राइडे खतरा 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 में, सैटरडे संडे राइजिंग में। और हाँ अच्छी बात है सर, दोनों शो साथ में चल रहे हैं, दुकान अच्छी चल रही है, पर डे अच्छा आ रहा है, बट उससे भी ज़्यादा क्या है ना कि मज़ा आ रहा है, दोनों शोज बहुत अलग है, और साथ ही साथ एक अपने ही वे में चैलेंजिंग है। यू नो कॉमेडी भी एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है, लोगों को हंसाना बहुत आसान काम नहीं, और साथ ही साथ ये जो म्यूजिक शो है और उसका तीसरा सीज़न है, पिछले 2 सीज़न काफ़ी सफल रहे हैं, हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस सीज़न को भी सफल बनाए, और पिछले दोनों सीज़न से और भी ज़्यादा सफल बनाए, और भी ज़्यादा अच्छा म्यूजिक आपके सामने प्रस्तुत करें। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कॉमेडी क्या है, वो मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, तो मैं जहाँ पर भी जाऊँगा वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जी थैंक यू, थैंक यू भाई।
अभी देखिए क्या है कि एक कंपटीशन है और कंपटीशन में किसी को फर्स्ट आना, किसी को सेकंड आना है, किसी को थर्ड आना है। अगर आप स्पोर्ट्स की भी बात करें तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो और हर हर स्पोर्ट्समैन के टाइमिंग के बीच में कुछ सेकंड्स का या मिली सेकंड्स का फासला होता है, तो उसे बिल्कुल भी आपको आई थिंक हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं खतरों के खिलाड़ी जैसे शो का फर्स्ट रनर अप बना, एक कदम दूर रह गया ट्रॉफी से, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ट्रॉफी खुली के लिए बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को भी पूछें तो उनके टॉप टू कंटेस्टेंट्स में मेरा और पुनीत का नाम डेफिनेटली आएगा। ऑफकोर्स इतनी दूर आया तो जीतना तो अच्छा लगता है, प्लस एक अच्छी गाड़ी भी मिलती है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, लोगों का इतना प्यार मिला और आई थिंक एक अलग फैन बेस खतरों के खिलाड़ी की वजह से मुझे मिला है, क्योंकि एक ऐसा पहलू आपको देखने को मिला जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो लोगों को ये लगा कि अरे वाह अभी तो ये भी कर सकता है, और मैंने अपना बेस्ट दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ मुझे कलर्स के दो और शो मिल गए, तो प्राइज मनी से ज़्यादा प्राइज मनी मुझे मिल चुका है, तो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। थैंक यू।